जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। जैसे जा रहे हैं शुक्ला दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। 60 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 8 बजे जीके जीएस का लाइव सेशन होगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार्ल्स ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको लेखक बताने हैं। चार्ल्स ऑफ टेक्निक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमर सेन ने। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। अमर सेन ने चार्ल्स ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमर सेन पहले भारतीय व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था ये भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिए 1998 में मिला था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। क्या पूछा गया है? गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटका में? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर दो का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटका में। यस, डी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, कर्नाटक का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। बताइए किस वर्ष में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006 में। क्या करेक्ट आंसर है? बी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 2006 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए बैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है जो बैनगंगा पैनगंगा है ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर झेलम? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा बैनगंगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, गोदावरी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? आपको बताना है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरन, कॉपर, गोल्ड या फिर सिल्वर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, कॉपर करेक्ट आंसर होगा, कॉपर का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। बताइए सबसे पुराना भारत में संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या पूछा गया है? भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीड़ा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, वीड़ा भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए कतर की राजधानी क्या है? कतर की कैपिटल आपको बतानी है, राजधानी बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोहा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दोहा कतर की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। पूछा जाएगा नेपाल की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा काठमांडू है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है,
तो आप लोग चारों ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि में, राजधानी से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। हर स्क्रिप्ट में एक क्वेश्चन राजधानी संबंधित पूछा जाएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें कौन सा कथन सही है, उस कथन का चयन कीजिए। तो चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ए करेक्ट आंसर होगा। जल एक चक्रीय संसाधन है, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जल एक चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर भी नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस सुबह 7 बजे भी क्लास होगी, सुबह 7 बजे क्लास होगी, उसके बाद सुबह 10 बजे क्लास होगी, शाम को 3 बजे और शाम को 8 बजे, इनको आप लोग याद रखिएगा टाइम को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है लोयस पठार कहां पर है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोयस पठार कहां पर है, कनाडा, रशिया, चाइना या फिर जापान में, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना में, सी करेक्ट आंसर होगा। जो लोयस पठार है ये चाइना में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, कनाडा करेक्ट आंसर नहीं होगा, चाइना करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लोयस पठार चाइना में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चाइना। भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है चाइना। और अगर पूछा जाए चाइना की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, बीजिंग। चाइना की राजधानी है सी जिनपिंग, वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट है। इनको आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक भारत में नेशनल पार्क कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। अभी आपको प्रश्न में बताना है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ए करेक्ट आंसर होगा, बाघ और हाथियों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है, उसका नाम आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, लैक्टोज, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लैक्टोज दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, लैक्टोज करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए हेमावती किसकी सहायक नदी है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया, हेमावती किसकी सहायक नदी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी की, यस बी करेक्ट आंसर होगा, कावेरी की सहायक नदी है हेमावती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, कर्नाटका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा, कावेरी कर्नाटका की सबसे लंबी नदी है, इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, जापान भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें जापान की राजधानी पूछी गई थी, तो मैंने आपको कई बार बताया भी था जापान की राजधानी टोक्यो है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, फुमियो किसता है जापान के, पूछ सकते हैं परीक्षा में, करंट का क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा डाइट। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सोरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। सोरा अफगानिस्तान की संसद है। अफगानिस्तान की संसद को सोरा कहा जाता है। यहाँ पर जापान की संसद को पूछा गया है क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, फखरुद्दीन अली अहमद। या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा पूछा जाएगा प्रश्न, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए, पीएम पूछा जाए, तो आप लोग याद रखिएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या फिर हरियाणा में। यस फास्ट बंगल। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा में। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा। अब लोग याद रखिएगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओडिशा भारत का एक राज्य है। आप लोग याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है? चिल्का लेक ओडिशा में। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है चिल्का लेक कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ओडिशा में। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एक लैगून झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सोमनाथ मंदिर बताइए कहाँ पर है? आपको बताना है सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव को समर्पित है सोमनाथ मंदिर। आपको बताना है ये कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपको बताने हैं कहाँ पर मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर, नीलगिरी पहाड़ियाँ। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूछा जाए मुख्यतः किस राज्य में, तो आप लोग याद रखिएगा मुख्यतः तमिलनाडु में। कहाँ पर है? मुख्यतः तमिलनाडु में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जाएंगे? यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल 71। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुख्यतः असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी सी होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में निवास करती है
टोडा जनजाति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न अभी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी भी उनका सही उत्तर है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ए या बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, आपको बताना है मालगुडी डेज किसकी रचना है, लेखक बताइएगा। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मालगुडी डेज किसकी रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर के नारायण की। डी करेक्ट आंसर होगा, लेखक कौन है, आर के नारायण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो अमेजन नदी है किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, अफ्रीका करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिए, अमेजन नदी पूछी गई है किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, डी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिणी अमेरिका। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा, आप लोग याद रखिएगा, द्वीप महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह सबसे आर्द्र महाद्वीप भी है, यह भी याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका। तो डी इसका राइट आंसर होगा, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आप लोग याद रखिए ब्राजील है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हुगली नदी किनारे। क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, यूपी जीके का क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, क्या पूछा गया, महर्षि वाल्मीकि आश्रम आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, श्रावस्ती में, कालपी में, बिठूर में या फिर कौसाम्बी में, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिठूर में। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा, महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए भारत में वायु वहन कब प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा 1911 में, यस ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, 1911 में भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, पालघाट मड़ियैयर आपको बताना है निम्न में से किस वाद्ययंत्र के प्रतिपादक हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मृदंगम। क्या करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा, मृदंगम करेक्ट आंसर होगा। यह भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए टाइटन किसका उपग्रह है। सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, टाइटन किसका उपग्रह है, ये आपको बताना है, बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर मंगल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शनि का। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा, टाइटन शनि का उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न अभी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी भी उनका सही उत्तर है, शनि करेक्ट आंसर होगा, सैटर्न करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस, सॉरी परिषद की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1961 में। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1961 में हुआ था राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1961 करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1961। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, आपको बताना है अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर है।
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई, तमिलनाडु, मुंबई, महाराष्ट्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा या फिर ननौपदीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु के चेन्नई में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु के चेन्नई में भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, जो कब से कब तक का होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का जो वित्तीय बजट है कब से कब तक का होता है, ये आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अप्रैल से मार्च तक का होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो केंद्रीय वित्तीय बजट है, वित्तीय वर्ष है, या अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बाकी आप लोग याद रखिएगा। यस आर एस, डी करेक्ट आंसर होगा, बाकी आप लोग याद रखिए, वियतनाम की राजधानी हनोई है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बताइए राष्ट्र को जय हिंद का संबोधन किसने दिया था, ये आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्र को जय हिंद का संबोधन किसने दिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए सिडबी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है सिडबी की स्थापना कब हुई थी। अगर पूछा जाए सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है, स्थापना हुई थी 1990 में, या ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है 1990 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरला में। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले केरला में प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, आपको बताना है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है, जो तक्षशिला आपको बताना है किन नदियों के मध्य स्थित था, इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंधु और झेलम, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है तक्षशिला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आपको उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोविंद वल्लभ पंत, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और यह भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कहाँ थी, कहाँ की थी, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की बनी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, क्या पूछा गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल, या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बताइए विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, बताइए निम्न में से कौन बागवानी से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्ण क्रांति। क्या करेक्ट आंसर सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोपेन ब्यूटेन। क्या करेक्ट आंसर है, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, प्रोपेन ब्यूटेन करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेतवा रिवर पर। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा, बेतवा रिवर पर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, आपको बताना है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, उनका नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खड़क सिंह। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, खड़क सिंह। आप लोग याद रखिएगा महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, आपको बताना है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीनिवास रामानुजन, सी करेक्ट आंसर होगा। और ये भारत के महान गणतज्ञ थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिक्किम भारत का वाइसमा राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा भारत का वाइसमा राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा सिक्किम में, और ये 36वें संविधान संशोधन से बना था, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए PAN इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, इनकम टैक्स से जुड़ा आपको बताना है पैन कार्ड, इसमें PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। यह तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, आपको बताना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 46 के लिए आंसर करिए, बताइए सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, मौर्य काल में। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए कार का मात्रक क्या होता है, आपको कार का मात्रक बताना है क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है ये, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, किस देश में होता है। आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइना में।
क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? चाइना में होता है। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिए असम में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है सती प्रथाकांत तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विलियम बेंटिक को। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? आपको बताना है झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में विशाल स्नानागार पाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस आर एस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो में। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है जो गुप्त राजवंश है किसके लिए प्रसिद्ध था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। इसे आप लोग याद रखिए कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए चाइना असम के किस दिशा में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो चाइना असम के किस दिशा में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर दिशा में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा उत्तर दिशा में है चाइना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 54 के लिए आंसर करिए। बताइए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? सी करेक्ट आंसर होगा, देहरादून में। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 54 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, देहरादून करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड के देहरादून में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है बिजली की खपत की इकाई क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बिजली की खपत की इकाई आपको बतानी है। बी करेक्ट आंसर होगा, किलोवाट घंटा। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा बिजली खपत की इकाई किलोवाट घंटा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 46। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है भीमबेटका गुफा भारत के किस राज्य में है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भीमबेटका की जो गुफा है भारत के किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। डी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। श्रीलंका का प्राचीन नाम बताइए क्या है? आपको श्रीलंका का प्राचीन नाम बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा, सिलोन। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है डिंग एक्सप्रेस किसका अन्य नाम है? डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? किसका अन्य नाम है डिंग एक्सप्रेस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमा दास का। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरेनियम के लिए भारत में जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा यूरेनियम के लिए। आपको बताना है ये किस राज्य में, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या झारखंड या फिर ओडिशा में? तो सभी इसका आंसर करिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, झारखंड में। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, झारखंड। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, डेली क्लास होगी शाम को 8 बजे, डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए।
चलिए सीख साथ, मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।